दो दिवसीय लॉकडाउन में महानगर में वृहद सैनिटाइजेशन महाअभियान का शुभारंभ नगर आयुक्त अविनाश कुमार द्वारा 40 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। नगर निगम महानगर को कोरोना मुक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे कोरोना के कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। इसके लिए शनिवार को नगर निगम ने गाड़ियों में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भरकर शहर भर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन की शुरुआत किया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि 70 वार्डों में छोटी बड़ी 40 गाड़ियों को लगाकर गली मोहल्लों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जिन स्थानों पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, उन स्थानों पर कर्मचारियों को लगाकर सैनिटाइज कराने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, जिसमें फायर ब्रिगेड की भी मदद ली जा रही है। इस दौरान महाप्रबंधक जलकल SP श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी प्रवर्तन, दल अधिकारी कर्नल CP सिंह, सह प्रभारी वाहन अशोक सिंह के साथ संबंधित वार्डों के सफाई निरीक्षक कर निरीक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने बताया। जैसा कि आपके संज्ञान में है, कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत तीव्र गति से लोगों को संक्रमित कर रही है, और इस कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए जैसे पिछले काफ़ी समय से नगर निगम जो है गोरखपुर है लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, लेकिन इधर जो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के दिनों में खास तौर से हम एक विशेष महाअभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हम चार पहिया वाहन लगवा कर उसके माध्यम से हमारे जो 70 वार्ड हैं, इसके अलावा जो मार्केट प्लेस है, कॉमर्शियल एरिया है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं,
पुलिस लाइन है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन सभी को हम लोग कवर करते हैं। तो ये अभियान जो हर इस लॉकडाउन के उसमें चलता है, आज हम लोगों ने 40 से ऊपर इसमें गाड़ियां लगा रखी हैं जो हर वार्ड में जा रही हैं। माननीय जो हमारे पार्षदगण हैं उनका सहयोग ले रही हैं और उनके माध्यम से पूरे डोर टू डोर और हाउस टू हाउस जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक अभियान और चल रहा है कि अगर पूरे नगर निगम क्षेत्र में कोई भी बिना मास्क पहने हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम 1,000 रुपये का जो है चालान काटेंगे, और अगर वही व्यक्ति 2 या 3 बार और पकड़ा जाता है तो उसको हम 10,000 रुपये का उसके खिलाफ जो है चालान काट के उसका जुर्माना लेंगे और कड़ी कार्रवाई अमल में लेंगे। साथ ही साथ जो है अभी कुछ दिन हमें बहुत ही शीघ्र जो है सारी गाड़ियों में वो जो हमारा टेप लगे हैं उस पर हम इस बात से लोगों को अवेयर करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमेशा मास्क यूज करना चाहिए, उनको ग्लव्स पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, और जिससे जब किसी से बात करना हो तो उससे कम से कम 2 गज की दूरी अवश्य मेंटेन करें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो यहाँ का आज का महाअभियान की शुरुआत की गई है।